हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। तो आज हम आपको क्लास टेंथ मैथ का सिलेबस बताने वाले हैं कि आपके क्लास टेंथ में कितने चैप्टर हैं, कितनी एक्सरसाइज हैं, सारी चीज़ें आपको इसी वीडियो में जानने के लिए मिल जाएंगी। और जल्द ही क्लास टेंथ का वीडियो भी लाने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपका कौन सा चैप्टर है, रियल नंबर है, जो कि देखिए इसमें कितनी एक्सरसाइज हैं, 1.6 तक, ठीक है। और 1.6 में क्या है, आपकी समरी है, ठीक है। यानी कि केवल आपकी देखिए पांच ही, यानी कि चार ही एक्सरसाइज दी गई हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका चैप्टर क्या है, पॉलीनोमियल, ठीक है। इसका हम हिंदी वर्जन भी लाने वाले हैं जल्दी ही, तो कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए पॉलीनोमियल चैप्टर आपका, इसमें देखिए कितनी एक्सरसाइज हैं, एक से लेकर के पाँच तक है। पहले तो आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक दो तीन से चार आपकी एक्सरसाइज इसमें भी हैं, ठीक। उसके बाद देखिए कौन सा चैप्टर आपका, तीसरा चैप्टर है, जो कि देखिए क्या कह रहा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है और ये अधिकतर आगे भी आपका ज़रूरत आ जाएगा, ठीक है। और ये काम का चैप्टर है आपके, इसमें देखिए कितने एक्सरसाइज हैं, पाँच से हैं, लास्ट में क्या है आपका, समरी दी गई है, ठीक है। उसके बाद आपका चैप्टर फोर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये और इसके क्वेश्चन भी पेपर में बहुत आते हैं, ठीक है। इसको क्या करना है, आपको अच्छे तरीके से समझना है और जल्द ही एक्सरसाइज भी हम लाने वाले हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए आपका चैप्टर कौन सा है, फाइव अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए एपी और जीपी से क्वेश्चन तो बहुत आते हैं, ये तो आपने देखा ही होगा और कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। उसके बाद देखिए ट्रेंगल चैप्टर है, सारे चैप्टर तो आप जानते हैं, देखिए ट्रेंगल से तो आप नाइन्थ में भी अवगत हो चुके होंगे, जान चुके होंगे क्या आता है, क्या चीज़, सारी चीज़ें थोड़ी बड़ी चीज़ आप जानकारी ले चुके हैं। उसके बाद आपको देखिए आगे की चीज़ें देखने को मिलेंगी, देखिए सिमिलरिटी ऑफ ट्रेंगल, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रेंगल, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रेंगल, पाइथागोरस थ्योरम एंड लास्ट में क्या है, समरी दी गई है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री है, चैप्टर नंबर सेवन है, और इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, देखिए इसमें आपको क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ने को मिलेगा क्लास एट में, चैप्टर एट में, क्लास टेंथ में, ठीक है। इसमें देखिए कितने हैं, फाइव एक्सरसाइज दी गई हैं। उसके बाद हमारा चैप्टर देखिए नाइन है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसके बाद एप्लीकेशन भी ट्रिग्नोमेट्री दी गई है, हाइट एंड डिस्टेंस से सारे क्वेश्चन अधिकतर पूछे गए हैं इसमें। उसके बाद चैप्टर क्या है हमारा, टेंथ है, इंट्रोडक्शन, उसके बाद टेंजेंट ऑफ सर्कल, यानी सर्कल चैप्टर के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और क्लास नाइन्थ में आप जान चुके हैं सर्कल हमारा क्या है, सारी चीज़ें। उसके बाद देखिए इसमें क्या है, कंस्ट्रक्शन भी आपको पढ़ना है क्लास टेंथ में, जो कि इलेवन चैप्टर है और बहुत बढ़िया और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। इतने अच्छे तरीके से आपको हम पढ़ाएंगे कंस्ट्रक्शन कि आपको देखिए क्लास टेंथ का, क्लास ट्वेल्थ, क्लास दो तीन साल आप भूल ही नहीं पाएंगे इसको, ठीक है। उसके बाद देखिए एरिया ऑफ रिलेटेड टू सर्कल है। उसके बाद थर्टीन चैप्टर क्या कह रहा है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें कई सारे आपको फार्मूले आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट चैप्टर देखिए क्या है, फोर्टीन स्टैटिक्स, इसमें आपको देखिए कई सारी चीज़ें आपको ए मीन निकालना होता है, मॉड निकालना होता है, ठीक है, माध्य माध्यक की सारी चीज़ें आपको जानना इसमें निकालना होता है सारी चीज़ें। उसके बाद लास्ट चैप्टर आपका प्रोबेबिलिटी, ठीक है। उसके बाद देखिए सारी चीज़ें आपको कुछ दी गई हैं, ये सारी एक्सरसाइज नहीं है, आपको इनको नहीं पढ़ना है, बस आपके कितने देखिए 15 चैप्टर हैं और बहुत जल्दी इसको हम ख़त्म भी कर देंगे, ठीक है। आपके स्कूल से पहले ही हम इसको ख़त्म भी करवा देंगे। देखिए हमारा पहला चैप्टर है कि रियल नंबर, ठीक है। पहले तो हमारा 1.1 में इंट्रोडक्शन, इसके बारे में कुछ सारी सारी जानकारी दी गई हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ से हमारा क्या होता है, एक्सरसाइज शुरू होती है, ये एग्जांपल है और ये हमारे क्या है, एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1, ठीक है, ठीक है। देखिए कि इसमें कितने पांच ही क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज में और ज़्यादा बड़ी एक्सरसाइज नहीं होती है आपके एनसीईआरटी में, ठीक है। और बालाजी, आरएस अग्रवाल, ये सारी चीज़ में बहुत ही ज़्यादा एक्सरसाइज और क्वेश्चन भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। आरडी शर्मा देखिए कोई एक मैथ की बुक होती है क्लास टेन की, उसमें भी क्या होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, पर क्या करना है आपको, पहले एनसीईआरटी लगाना है, ठीक है। जैसे आपका एनसीईआरटी क्लियर हो जाए, सारे क्वेश्चन इसके रट जाएँ, तब आपको क्या करना है और अन्य बुक भी लगाना है। देखिए एक्सरसाइज 1.2 में देखिए केवल सात ही क्वेश्चन है, बहुत जल्दी एक्सरसाइज ये ख़त्म हो जाती है, ठीक है। और जल्द ही इसका हम वीडियो सोल्यूशन भी लाने वाले हैं, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको कब चाहिए ये, और जल्द ही इसका वीडियो सोल्यूशन लाकर हम क्लास भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तक धन्यवाद। और यदि आपको कोई भी सब्जेक्ट का सिलेबस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा।